हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी लाइफ में कैसे सफल हो सकते हो। ज़िंदगी वो अनमोल तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। असली ज़िंदगी उसी को सक्सेसफुल होती है जिसने इस दुनिया को कुछ दिया हो। हम हमेशा यही सोचते हैं, पर इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। आज मैं आपको लाइफ में सक्सेस होने की कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जो शायद अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। रहते हैं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ, कामयाब होने की हर जानकारी हम पढ़ते हैं बट करते कुछ नहीं है, और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता, मैं उसके जैसा होता, इसके जैसा होता, या इसी उलट फेर में फंस कर आप बदलती दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हो। अगर आपको सचमुच बड़ा बनना है तो आपको सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ जिन्हें फॉलो करोगे तो आप हमेशा ज़िंदगी का हर कठिन मोड़ पर इन बातों को याद रख के आपको हेल्प मिलेगी। एक कहावत है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक ज़िंदगी में हज़ार ज़िंदगी के बराबर काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी आज तक बिना मेहनत किए बड़ा नहीं बन पाया है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे पहली बात है आपको अप टू डेट रहना, दुनिया के साथ साथ चलना, क्या हो रहा है आपके आसपास, उन सभी चीज़ों की जानकारियाँ आपके पास होना। अगर आप पीछे रह गए तो बाद में आप न्यू कन्वर्सेशन को समझ नहीं सकते कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, आपको उसको समझने में समय लग जाएगा, नतीजतन आप फेल हो जाओगे। सो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखते हुए इस दुनिया के लिए तैयार रहें। पहली चीज, कभी भी पुरानी बातों को याद मत करो। जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में सोचकर ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पास्ट को कभी कभी बदला नहीं जा सकता, मगर भविष्य को बदला जा सकता है, फ्यूचर को खूबसूरत और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जो समय बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचकर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने भविष्य को बनाएं, इसलिए बीती बातों को छोड़ दें। टाइम के साथ सब कुछ बदलेगा, दुनिया दिन पर दिन बदलती जा रही है। हम अपने दुख दर्द भुलाकर इस बदलती दुनिया के सामने क्या कर सकते हैं हमें ये देखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इससे इतने पीछे रह जाएंगे कि फिर कभी इसे पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल स्टेशन से छूटती ट्रेन की तरह। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ बदलेगा, फिर चाहे आप उन बदलावों को अपनाओ या नहीं अपनाओ। इसलिए दुनिया के बदलने से पहले खुद को इतना बदल दो कि इस दुनिया के बदले से पहले आप दुनिया को आकर स्वागत करो कि देखो मैं यहाँ आपसे पहले पहुँच गया हूँ। मेरा मतलब है, ऐसा काम करने की कोशिश करो कि जो आज तक किसी ने ना किया हो। सारे काम पूरी लगन से करो। जब भी आप कोई काम करो तो ये सोच के करो कि ये मेरा आखिरी मौका है, और अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं कभी कुछ सक्सेस नहीं पा पाऊँगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना ही होगा। जब भी कोई नया काम शुरू करो तो उसे ये सोच कर शुरू करो कि ये मेरा आखिरी मौका है, अगर मैं इसमें पास नहीं हुआ तो मुझे और कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये मौका हाथ से नहीं निकलने देना है, और पहले से तैयार रहो हर एक चीज़ के लिए। हमेशा अपने आप को नए समय में आने वाली परेशानियों के लिए अप टू डेट रखो कि अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो किस तरीके की परेशानियाँ आएंगी, मार्केट क्या है, कोई काम कर रहे हो आप तो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को सोचते हुए चलो, जिससे आपको आगे आने होने वाली कठिनाइयों से डर नहीं लगेगा, आप उनका डट कर मुकाबला कर सकोगे। हमेशा अपने आप को नए होने वाले बदलाव और आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रखो। दूसरी बात कि गलती होने पर पछतावा नहीं करो, सुधार करो। हमेशा पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे रहने से किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। ये बात 100% सच है।
इसलिए पुरानी बातों पर रोने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपनी मिस्टेक्स में सुधार अगर कर सकते हो तो उसे करो। कभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे नहीं रहें, इससे आप किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुद उल्टा परेशानियों में आ जाओगे। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कभी हार मत मानो। कहते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो 100 रास्ते खुलते हैं, इसलिए अगर एक बार सफलता नहीं मिलती तो घबराना नहीं है। अब उस काम के लिए दूसरे तरीके सोचो कि आप उस काम को कैसे कर सकते हो। कहते हैं कि कभी भी कल पे कल आज करे सो कल, ठीक है, वो कहावत है ना, कल करे सो परसों, ठीक है। तो कभी भी कल पर भरोसा मत करो, हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर काम करो। कभी कोई काम कल पर मत छोड़ना, क्योंकि जो कल पर छोड़ देता है उसे लोग आलसी कहते हैं, बेकार कहते हैं, अनसक्सेसफुल कहते हैं, और इन चीज़ों की सक्सेसफुल लाइफ में कोई जगह नहीं है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, कभी किसी काम को जल्दबाजी में मत करना। जल्दबाजी में किया क्या का 90% वर्क हमेशा ख़राब होता है। काम को काम ही की तरह करना, अगर हो सके तो उसको जितना समय दे सको, आप समझ सको, उस समझ के अनुसार ही करना। जल्दबाजी में काम करने से सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। और हमेशा ये सोचो कि आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो या आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी दुनिया है। अगर कभी आप किसी काम में अकेले पड़ जाओ तो घबराना नहीं, क्योंकि अकेले काम करने वाले आप पहले नहीं हो। दुनिया के 70% सक्सेसफुल लोग अकेले ही सक्सेस हुए हैं। तो और सबसे जो एक लास्ट मैं बात कहूँगा वो ये कि किसी को इग्नोर मत करो। कहते हैं कि आपको एक पागल की बातों से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, इसलिए कभी भी किसी की एडवाइस को नज़रअंदाज मत करो। उसके बारे में बारीकी से सोचो, हो सकता है उसमें पक्का आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो। और उम्मीद है आपको इस पोस्ट में अच्छी जानकारी मिली होगी, ठीक है। और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू।